आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय और स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो लास्ट क्लास में हमने सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट को देख लिया था और आज हम ट्रायंगल पे बात करेंगे और सारे ही कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं जैसे राइट एंगल के रिजल्ट रह जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के, और जो सर्कल और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन होता है उसके रिजल्ट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे साथ में, और क्वाड्रिलेटरल के फिर उसके बाद एक क्लास ले लेंगे। तो बेसिकली आज हम ये कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद दो क्लास और लूंगा मैं कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें हम इन दोनों से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे बस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के, और आप भी प्रैक्टिस करो क्योंकि ये चैप्टर आपका प्रैक्टिस मांगता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा और उतना आपका आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दो चीज़ें रह गई थी लास्ट क्लास में सर्कल से रिलेटेड, मैंने नोट्स चेक किया तो मुझे दो चीज़ें मिली एक्स्ट्रा, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमें यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर है ये डायमीटर है, और आप देख रहे हो यहाँ से 2 सेकंड कटे हुए हैं, तो जो और ये हमारा सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे जहाँ पे सर्कल को काट रही है दो लाइन, इसको ऐसे मिला दिया गया है। तो जो थीटा है ना, जो थीटा है हमारा वो 180 - 2 अल्फा आएगा। तो अगर आप बोलो कि क्या आपको ये रिजल्ट याद करने की ज़रूरत थी, इसके बिना काम नहीं चलता, तो इसके बिना भी काम चल जाता, तो हमें थोड़ा करना पड़ता। जैसे आप यहाँ पे इसको ए मानोगे तो ये भी आपका ए हो जाएगा क्योंकि ये दोनों साइड रेडियस है तो ये दोनों इक्वल है। ऐसे आप यहाँ पे बी मान लोगे तो ये भी आपका बी हो जाएगा क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, रेडियस है दोनों। तो आपका पता है आपका जो ये तीनों एंगल है ना, ये बड़ा वाला जो ट्रेंगल दिख रहा है, इन तीनों का सम आपका 180 हो जाएगा। साथ ही में अगर ये दोनों ए है तो आपको ये 180 - 2 ए हो जाएगा, और ये आपका 180 - 2 बी हो जाएगा, और ये हमें थीटा दिया हुआ है। तो इन तीनों एंगल का सम, मतलब ये जो आपका है, तो ये कितना हो जाएगा, 360 प्लस थीटा माइनस 2 ए प्लस बी, ये आपका 180 हो जाएगा क्योंकि ये तीनों एंगल जो है ना, ये देखो स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल का जो सम है वो आपका 180 हो जाएगा। और आपका दूसरा रिजल्ट आया है ए प्लस बी प्लस अल्फा, ये जो आपका बड़ा वाला ट्रेंगल आप देख रहे होंगे, ये जो बड़ा वाला ट्रेंगल है, ये इसमें मैं बस एंगल का सम कर रहा हूँ, तो ये आपका ए प्लस बी प्लस अल्फा, ये आपका 180 हो जाएगा, 180। और आप इसकी ए प्लस बी की वैल्यू आप इसमें डाल दो तो आपका यही रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये नहीं है कि आपको हर आपको रिजल्ट पता है तभी आप कर पाओगे, ये रिजल्ट भी कहीं से आया ही है ना, तो आप थोड़ा बहुत याद कर लो, लेकिन ये नहीं कि आप हर एक केस का याद किया जा रहे हो। आप अगर हर एक केस का याद करोगे ना तो आपके दिमाग में सिर्फ कन्फ्यूजन होगा, और आप कोई ऐसे भी मुझे समय लगा ना, और आपको समझाने के लिए बस मुझे समय लगा है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें आप तुरंत करने लगोगे। तो बस यही है। अब देखिए यहाँ पे एक सर्कल है और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक इसलिए क्योंकि इसके जो चारों वर्टेक्स हैं वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, ये इसका डायगोनल है ई और एफ, ये जो है ना ई एफ, इसकी लेंथ है, डायगोनल की लेंथ है। तो इनके जो डायगोनल का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, वो इनके अपोजिट साइड्स के मल्टीप्लीकेशन का सम होता है। जैसे ई इंटू एफ जो है वो आपका ए इंटू सी प्लस डी इंटू बी हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बस आपको ये चीज भी याद रखनी है। तो ये सर्कल के दो कॉन्सेप्ट रह गए थे। अब हम ट्रायंगल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल होता क्या है, पहले तीन स्ट्रेट लाइन का क्लोज फिगर जो होता है वो ट्रायंगल होता है। इनके तीनों जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आपको दिख रहा है, ये 180 है। अगर मैं कहूँ अगर ए की वैल्यू 60 डिग्री है और बी की वैल्यू 40 डिग्री है, तो अगर मैं पूछूँ आपसे सी की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी तो 100 हो गया और टोटल 180 होता है, तो सी आपका 80 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। अब ट्रेंगल होने के लिए कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है। जैसे इनकी तीन साइड्स होती हैं, तो किसी भी दो साइड का जो सम होता है ना वो तीसरे से ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे जो चीज़ यहीं पे लिखी हुई वो चीज़। साथ में आप देखोगे अगर आप बी को इधर भेज दो तो आप ये देखोगे कि कोई भी अगर इसकी साइड हो, ट्रेंगल में तीन साइड होती है, आप कोई भी एक साइड ले लो ना, तो वो जो है बाकी दो साइड का जो डिफरेंस है उससे उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। देखिए आपको मैं मोटा मोटा समझाऊं कि अगर आप ट्रेंगल में कोई भी साइड लेते हो, कोई भी साइड, तीन साइड आप एक साइड ले लिए, कोई भी साइड ले लो, तो वो जो है ना बाकी दो साइड के डिफरेंस से उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी और उसी उन्हीं दो साइड के सम से इसकी वैल्यू कम रहेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कोई ट्रेंगल है आपका जिसकी साइड ए बी सी दी गई है, आप कोई भी साइड ले लो, अगर बी की जो वैल्यू है वो ए माइनस सी मॉड लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए, ये इससे ज़्यादा होगी और ए प्लस सी से कम होगी, दोनों साइड के सम से कम होगी। तो आपको बस ये बात याद रखनी है। इसी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए दो तीन,
तो जैसे पहले तो एंगल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें कह रहा है एक ट्रायंगल है। अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हो ना कि मेरी स्पीड कैसी है कैसी, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक चल रहा है तो मैं थोड़ी स्पीड अपनी तेज रख रहा हूँ ना, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आपको तेज लग रहा है धीरे लग रहा है ना, तो आप मुझे बता देना। क्योंकि मैंने आज तक कोई जो भी वीडियोस देखे ना, मैंने जनरली 2x भी देखे हैं, तो हो सकता है मेरी उस वजह से मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो गई है पढ़ाने की भी, तो ये चीज़ है। तो आप क्या करो, आप बता देना मुझे ये बात। तो हमें एक ट्रेंगल दिया हुआ है जिनका एंगल का जो रेशियो दिया है वो 2:3:7 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है जो सबसे बड़ा वाला एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखो इन तीनों का जो सम है ना, तो आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है आप शायद इसको इस तरीके से भी करते होगे कि जैसे अगर यहाँ पे 7 × 10 = 12 दिया है, 12 की वैल्यू 180 दी है, मतलब तीनों के सम की वैल्यू 180 दी है, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें पता होंगी। आप एक्स मान के भी कर सकते हो कि 7 7x 3x 2x की वैल्यू 12x हो जाएगी, तो हमसे 7x की वैल्यू पूछा है, तो हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं इस तरीके से ना। तो हमें कहा है तीनों का रेशियो जो है एंगल का 2:3:7 है, मतलब टोटल 12 की वैल्यू इन तीनों का सम जो है, 12 की वैल्यू हमें पता है 180 होगी, क्योंकि टोटल सम 180 होता है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो आपसे 7 की वैल्यू पूछा, सबसे बड़ा वाला एंगल जो 7 है, तो (7 = 105) ये हो गया। अब देखिए जो मैंने ऊपर बात बताई कि कोई भी साइड है उसकी जो वैल्यू है उस बचे दो साइड के डिफरेंस से ज़्यादा रहेगी और उन दोनों के सम से कम रहेगी, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो और इक्वल नहीं हो सकती है, ये बात भी याद रखो, इक्वल नहीं होनी चाहिए, उसके बीच में ही वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5 हो जाएगा, और इन दोनों का जो सम हो जाएगा वो बोलोगे आप सर 29 हो जाएगा। तो आपका ये वाला आंसर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस हैं। देखो जब भी मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ ना, तो जैसे अगर उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए तो उसमें से जो उससे थोड़े अच्छे क्वेश्चन, टफ वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैं खुद करता हूँ, बाकी ईजी वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो ये है, आप ईजी वाले क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब देखो कोई भी ट्रेंगल दिया है हमें ए बी सी ना, ये वाला हमने साइड एक्सटेंड कर दिया है थोड़ा, तो इसको हम एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। इसको ये जो डी दिख रहा है इसको एक्सटर्नल बोलते हैं, और इसका जो सम होता है ना ये (a+b) के इक्वल होता है, मतलब इसको छोड़ दो, ये डी निकालना है तो इसको छोड़ दो, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे डी आपका क्या हो जाएगा, (a+b)। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर ये जैसे यहाँ पे भी है ना, अगर मैं इसको इरेज करके आपको एक चीज़ और समझाऊँ, जैसे कोई भी एंगल हो सकता है एक्सटर्नल, जैसे मैं यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ ये एक्सटर्नल हो गया, तो इसका जो सम होगा आपका (b+c) के इक्वल होगा। और इसका अगर आप प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी इसका कुछ टफ नहीं है। आपको पता है कि अगर ये एंगल ए है ये एंगल बी है, तो ये आपका एंगल है 180 - a+b हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये वाला, और आपको पता है इसका प्लस इसका सम भी 180 होता है, तो जो आपकी ये वाली वैल्यू है ये 180 - ये हो जाएगा सी। तो 180 - c की वैल्यू क्या है, 180 - a+b, तो यहाँ से भी आपका (a+b) आ जाएगा डी की वैल्यू। तो आप प्रूफ भी देख सकते हो और आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो। आप प्रूफ समझ सकते हो, बाकी आपको यार डायरेक्ट ही करना है ना, आप ज़्यादा प्रूफ के चक्कर में भागो, लेकिन मैं ज़्यादातर के प्रूफ बता दूंगा आपको, क्योंकि उससे थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो बिल्ड होता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया डी की वैल्यू जो होगी वो आपकी (a+b) होगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपको आर की वैल्यू बतानी है, एंगल आर एक्सटर्नल होगी, तो आप बताओगे सर ये 60 है 30 है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा जो कि आपका 130 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना सब क्लियर है। अब देखो कोई भी हमें पॉलीगन दे दे, कोई भी, चाहे 3 साइड का हो, चाहे 4 साइड का हो, चाहे 5 साइड का हो, तो जो उसके एक्सटर्नल एंगल्स का सम है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये एंगल ए जो हो गया, और ये जो एक्सटर्नल एंगल बी है, ये एक्सटर्नल एंगल सी है, इसका सम 360 होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, इसका सम 360 होगा। तो कोई भी हो, चाहे हेक्सागन हो, डेकागन हो, कोई भी गन हो, तो उसका जो एक्सटर्नल एंगल्स का सम होता है वो हमारा 360 होता है, ये हम मेंसुरेशन में भी पढ़ेंगे। अब देखो अब ट्रेंगल होते कितने टाइप के हैं, तो हम दो बेसिस पे इनको कैटेगराइज करते हैं, एक साइड्स के बेसिस पे और एक एंगल के बेसिस पे। तो अगर कोई ट्रेंगल है उसकी अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम उसको इक्विलेटर बोलते हैं, इक्वल मतलब इक्वल और लेटर मतलब साइड, तो इक्विलेटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ये 3 साइड्स हैं और तीनों आपस में इक्वल है, सबसे नीचे वाले फिगर को देखो अगर आप, तो इसको हम इक्विलेटर ट्रेंगल बोलेंगे। और जब ये इक्विलेटरल हो जाएगा तो इसके तीनों साइड्स जो होते हैं, तीनों एंगल जो है ना वो भी इक्वल हो जाएंगे, और तीनों एंगल तभी इक्वल हो पाएंगे जब ये तीनों 60 60 डिग्री होंगे, तभी तो 180 बनेगा। तो
तो इक्विलेटरल एंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और साथ में इनके हर एंगल 60 डिग्री होता है। अब आ जाओ आइसोस्केलस। आइसोस्केलस में दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे यहाँ पे दो साइड, ये और ये साइड हमें इक्वल दे रखी है, और ये दो साइड अगर इक्वल होती हैं तो उसके दो एंगल जो अपोजिट एंगल, जैसे अगर ये साइड है ना, ये वाली साइड, तो इसका अपोजिट एंगल ये हो जाता है, और अगर ये वाली साइड है तो इसका अपोजिट एंगल ये हो जाता है, तो ये दो एंगल भी आपस में इक्वल रहेंगे। तो देखो, अब या तो हमें दो साइड इक्वल दे दे या हमें दो एंगल इक्वल दे दे, तो हमारा आइसोस्केलस हो जाता है। तो इसका मतलब आप ये भी समझो कि अगर हम दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके दो एंगल अपने आप इक्वल हो जाते हैं, या अगर दो एंगल इक्वल हैं तो दो साइड्स अपने आप इक्वल हो जाती हैं। जैसे आपको दे दे, अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो आप ये बताओ कौन से साइड्स इक्वल होंगे, तो इसके अपोजिट जो साइड्स हैं ना वो आपके इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी इक्वल हो जाएगी। अब स्केलन में क्या होता है, आपकी तीनों साइड डिफरेंट साइज की होती हैं, मतलब तीनों साइड में एक भी साइड सेम नहीं होती, सब अलग अलग होती हैं। आपको मैं यहीं पे एक बात और बता दूं, कोई भी ट्रेंगल हो तो जो उसकी सबसे बड़ी वाली साइड होती है ना, उसके अपोजिट का एंगल सबसे बड़ा होता है। मतलब क्या है, सपोज मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो ये वाली साइड है, ये वाली जो इसमें ये वाली साइड है ना, ये वाली ये सबसे बड़ी है, मैं ऐसा मान लेता हूँ, तो इसके अपोजिट में जो एंगल है ये वाला, तो ये सबसे बड़ा एंगल है। और अगर मैं मान लेता हूँ कि ये वाली साइड सबसे छोटी है, मैं मान लेता हूँ कि ये वाली साइड अगर सबसे छोटी है तो इसके अपोजिट वाला जो ये वाला एंगल है ये सबसे छोटा होगा। तो ये बात आप समझ सकते हो, और वैसे भी आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि देखो आपकी ऐसे ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है, आप इस वाली साइड को ऐसे बड़ा कर रहे हो तो आपका देखो एंगल भी खुलता चला जा रहा है, तो आप ऐसे ऑब्जर्व भी चीज़ों को कर सकते हो। अब ये हो गया साइड्स के अकॉर्डिंग, साइड साइड के साइज के अकॉर्डिंग हो गया, हमने ट्रेंगल को तीन भागों में बांट लिया। अब देखो, स्केलन हो गया, आइसोस्केलस हो गया, इक्विलेटर। अब हम एंगल्स के बारे में देखते हैं, तो अगर इसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों तीनों जो हमारे वो हैं एंगल अगर 90 डिग्री से कम हो तो एक्यूट एंगल कहलाता है। अगर कोई भी एक एंगल 90 से ज़्यादा हो, क्योंकि दो एंगल 90 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दो एंगल 90 से ज़्यादा हो जाएंगे, अगर दो एंगल हमारे 90 से ज़्यादा हो जाएंगे तो इन तीनों का सम, इन दोनों एंगल का ही सम 180 से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हमें पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसलिए दो एंगल तो ज़्यादा हो नहीं सकते 90 से। तो कोई भी एक एंगल अगर 90 से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। सिमिलरली अगर कोई भी एक एंगल 90 हो जाता है तो उसको हम राइट एंगल एंगल बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया, अगर तीनों एंगल 90 से कम है तो एक्यूट, कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज, और अगर कोई भी एंगल 90 है तो राइट एंगल एंगल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बिल्कुल बेसिक है। अब आते हैं इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें अगर तीनों साइड दे दे, कोई भी ट्रेंगल की तीन साइड्स दे दे, तो हम कैसे पता करेंगे वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल ट्रेंगल है। तो देखो आपको क्या करना है, ये कंडीशन दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो राइट एंगल ट्रेंगल है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो आप सम कर रहे हो ना, ए और बी छोटी साइड होनी चाहिए, मतलब अगर आपको तीन साइड दी है कोई भी, जैसे मानो आपको आपको दी है 6, 8 और मानो 3 दी है, अगर आपको चेक करना है कि कौन सा ये ट्रेंगल बनेगा, तो आप कोई भी दो छोटी साइड लोगे, यहाँ पे 6 और 3 दो छोटी साइड है, तो 6 का स्क्वायर करोगे प्लस 3 का स्क्वायर करोगे, और यहाँ पर आप 8 का स्क्वायर करोगे, फिर आप कंपैरिजन करोगे ये इक्वल है या ज़्यादा है या कम है, उसके बाद आप डिसाइड करोगे। तो आपको दो छोटी साइड लेनी है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो अगर ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका ज़्यादा है सी स्क्वायर से तो वो आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा, और अगर यही आपका कम है सी स्क्वायर से तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको दो छोटी साइड लेनी है, उनका स्क्वायर का सम करना है, और जो बड़ी वाली साइड है उसको लेना है, फिर उसको कंपैरिजन करना है। जैसे ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि तीन साइड्स जो है उनका रेशियो 4:6:8 है, तो आप रेशियो भी ले सकते हो और आप साइड्स भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दो छोटे छोटे तो ये हैं, तो 16 + 36 और यहाँ पे होगा 64, तो आपका ये आ जाएगा 30 40 52 आ जाएगा। तो आप देखोगे ये आपका कम है 64, मतलब ये ऑप्टियूज एंगल है, यहाँ पे देखो ये देखो कम है तो आपका ऑप्टियूज हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्टियूज एंगल ट्रेंगल हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा आपको एक बात और समझा दूँ, सपोज हमें ऐसी वैल्यू दी होती, जैसे मान लो अगर आपको दी होती साइड्स की 48 है, साइड 72 है और आपकी साइड 96 है, तब आप क्या करते, तो आप इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर करते, या आप इसका स्क्वायर करते और कंपेयर करते, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आप ऐसे केस में ना
आप क्या करो, रेशियो निकालो, रेशियो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आप इसको रेशियो निकालो तो आपका रेशियो आ जाएगा 4:6:8। तो फिर आप इसी तरीके से इसको कर सकते हो, मतलब जहाँ पे वैल्यू आ जाए बड़ी बड़ी, आपको उसका स्क्वायर डायरेक्ट नहीं पता है, तो आप उसका फिर ऐसे रेशियो लेके उसकी बात करो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आ जाओ कॉन्ग्रुएंसी पे। तो दो टर्म आपको देखने को मिलेंगे, एक कॉन्ग्रुएंट और एक सिमिलर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ना कि दोनों ट्रायंगल एकदम डिट्टो, एकदम इक्वल है, एकदम आइडेंटिकल है। मतलब उसकी जो किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड जो है वो दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल है रिस्पेक्टिवली, और उसके जो एंगल्स है, तीनों एंगल्स हैं अलग अलग, वो उसके एकदम इक्वल है। मतलब आप ये समझ लो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों एकदम सेम है, एकदम डिट्टो, एकदम सेम है। इनका एरिया भी सेम है, इनका पेरीमीटर भी सेम है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, सब कुछ एकदम इक्वल है। वो होता है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स ना। जैसे यहाँ पे आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली साइड्स जो है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। देखो, हम एक डॉट दिखाते हैं ना, जैसे हमें कोई अगर साइड पैसे दिखाए एक, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल है। ऐसे दिखाते तो ये वाला इसके इक्वल है, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे एक दिखाया तो ये इसके इक्वल है, ये दो दिखाया तो मतलब ये इसके इक्वल है, ये तीन दिखाया तो मतलब इसके इक्वल है। तो ये एक नोटेशन है, तो जो आप भी यूज़ कर सकते हो, मैंने बता दिया बेसिक एकदम वो चीज़। तो आप देखो, ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये जो ए वाला एंगल है ना, दो लाइन पड़े तो ये देखो डी के इक्वल है, बी जो है ये ई के इक्वल है, सी जो है आपका वो आपका एफ के इक्वल है। साथ में साइड्स भी देखो, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये आपका इसके इक्वल है, ये आपका इसके इक्वल, मतलब इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों एंगल्स इक्वल हैं। और यही कॉन्ग्रुएंसी का वो है कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, या तीनों सॉरी अगर कॉन्ग्रुएंट है कोई दो ट्रायंगल, तो उनके सारे साइड्स आपस में, मतलब इस ट्रायंगल के तीनों साइड उसके तीनों साइड्स के इक्वल होने चाहिए, और इसके तीनों एंगल उसके तीनों एंगल के इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि दोनों एकदम सेम ट्रायंगल्स हैं, समझे? बस उनका नाम डिफरेंट है। तो ये हो गया। आपको अब एक बात ध्यान देनी है कि जैसे आपका कोई भी जैसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, इस बात का आप बहुत ध्यान दोगे। देखो, जैसे आपने ए बी सी लिख दिया और आपको पता है ये कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्रायंगल के, तो आपको लिखना ऐसे है कि अगर आपने ए लिखा है तो ए किसके इक्वल है उसी पोजिशन पे आपको सामने भी लिखना है। जैसे ए यहाँ पे आपका डी के इक्वल है, तो आप यहाँ पे ए लिखे हो तो यहाँ पे स्टार्टिंग डी से करोगे, फिर बी बीच में बी आया है तो यहाँ पे बी किसके इक्वल है, आप बोलोगे सर बी आपका इक्वल है ई के, तो यहाँ पे आप फिर बी की जगह पे ई लिखोगे। ऐसे फिर सी लास्ट में आया है तो सी के इक्वल कौन है, आप बोलोगे सर सी के इक्वल एफ है, तो यहाँ पे आप एफ लिखोगे। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, और ये ट्रेंगल का नोटेशन होता है, आप ऐसे लिख हो। तो आपको पोजिशनिंग भी ध्यान देनी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहीं लिखा है कि ट्रेंगल एम एन ओ जो है वो आपका पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एम है, एंगल एम है, वो आपका एंगल पी के इक्वल है, एंगल एन आपका एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल ओ आपका आर के इक्वल है, एकदम सीक्वेंस में। अगर आप साइड की बात करो तो आपका जो एम एन साइड है, मतलब शुरू के दो मैंने लिया ना, एम एन साइड आपका पी क्यू साइड के इक्वल होगा, आपका एन ओ आपका क्यू आर के इक्वल होगा, और ऐसे ही चीजें चलेंगी। तो आपका सिक्वेंस बहुत मैटर करता है। आपका कॉन्ग्रुएंसी में उतना आपका यूज नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप सिमिलैरिटी देखोगे तो आपको वहां पे इसका महत्व तो समझ में आएगा। तो क्या दो ट्रेंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, हमें अगर दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो क्या हमें सारी साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी और सारे एंगल प्रूफ करने पड़ेंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ प्रूफ कर दो ना, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो एकदम ही आइडेंटिकल है। मतलब अगर आप तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ कर दो, मतलब इसकी जो तीनों साइड्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्रेंगल के इक्वल प्रूफ कर दो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब फिर उसके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि जो ये वाली साइड है, ये वाली वो इसके इक्वल दी हुई है, ये वाली साइड जो है इसके इक्वल दी हुई है, साथ में आपका ये वाली जो साइड है इसके इक्वल दी है। तो मतलब आपने तीनों साइड्स इसके उसके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। इसका कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी, तो इसका मतलब ये है ना, आप सिर्फ तीनों साइड प्रूफ कर दो तो वो पता चल जाएगा कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही आप क्या करो, कोई भी दो साइड प्रूफ कर दो जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, और उन दो साइड जो आपने दो साइड प्रूफ किया है उसके बीच का एंगल प्रूफ कर दो कि
ये वाला एंगल उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, तो ये समझ में आ जाता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। फिर कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, जैसे आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे आपने किया है कि ये वाला साइड आपने इसके इक्वल प्रूफ किया है, ये वाला साइड आपने इसके इक्वल प्रूफ किया है, और इसके बीच का ही एंगल आपको लेना है, तो मतलब ये वाला जो एंगल है आपने इसके इक्वल प्रूफ किया है, इसका मतलब ये हो जाता है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि फिर जो ये बची साइड है, ये वाली जो साइड बची हुई है आपकी, ये वाली जो साइड आपकी बची हुई है, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगी, साथ में ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, आपका ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें फिर इक्वल हो जाएंगी। अब देखो ए एस ए, आप कोई भी दो एंगल उसके करस्पॉन्डिंग दो एंगल के इक्वल प्रूफ कर दो, और जो आपने दो एंगल लिया उसके जो बीच वाली साइड है वो आप उसके जो दो एंगल लिया उसके बीच वाली साइड के इक्वल प्रूफ कर दो, तो भी वो एंगल पूरे जो ट्रेंगल है आपका दोनों वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपसे ये वाला जो एंगल है आपके इसके इक्वल प्रूफ किया है, ये वाला जो एंगल है आपके इसके इक्वल प्रूफ किया, और ये वाली जो साइड है ये वाली, ये आपस में इक्वल प्रूफ कर दी है, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि भाई फिर ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाली साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी, और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये कुछ अप्लीकेशंस हैं। तो आपको सिर्फ क्या है ना, आपको हर एंगल हर साइड इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से कोई भी प्रूफ कर दो, तीनों साइड कर दो, या दो साइड उसके बीच के एंगल कर दो, या दो एंगल उसके बीच की साइड कर दो, या आप कोई भी एक एंगल राइट है दोनों में, राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, तो दोनों में कोई भी एक एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो, एक साइड के इक्वल प्रूफ कर दो, और उसका जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो राइट एंगल होता है उसके जो सामने वाला साइड होता है अपोजिट साइड, वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, तो या आप हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज का इक्वल प्रूफ कर दो, तो आप अगर ये कर दोगे तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और फिर कॉन्ग्रुएंट का मतलब फिर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये चार तरीके हमारे पास प्रूफ करने के, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं सिमिलैरिटी से। अब देखो सिमिलैरिटी क्या होता है, अपने कॉन्ग्रुएंट मतलब, कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम आइडेंटिकल है, मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए दो ट्रायंगल, तो इसका एरिया इसके इक्वल हो जाएगा, इसका पेरीमीटर इसके इक्वल हो जाएगा, इसके जो साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग वो इसके इक्वल हो जाएंगे, इसके तीनों एंगल उसके करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के इक्वल हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम सिमिलैरिटी देखते हैं। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि वो ट्रायंगल दिखते एक जैसे हैं बस, लेकिन वो साइज में डिफरेंट होते हैं, साइज में वो डिफरेंट होते हैं, तो मतलब दिखने एक जैसे दिखते हैं का क्या मतलब है कि उसके तीनों एंगल जो होते हैं वो उसके करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि इसका ये एंगल उसके इस एंगल के इक्वल, इसका ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल, और इसका ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल, ये करस्पॉन्डिंग होता है बेसिकली। तो यहाँ पे साइज डिफरेंट हो सकता है, साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो साइड्स जो है ना, साइड छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन जो साइड्स का रेशियो होता है ना वो सेम आना चाहिए बस। जैसे आपको ये ट्रेंगल दिया है, तो क्या है आपका ये एंगल आपको दिख रहा है, वैसे आपको अगर देखो तो ये जो नीचे वाला है येलो वाला वो आपको छोटे साइज का दिख रहा है, और ये वाला बड़े साइज का है, लेकिन जो इसका ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल आपके इसके इक्वल दिया है, ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया है, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया है, इसका मतलब ये कि दोनों ट्रेंगल दिखने में तो एक जैसे हैं लेकिन बस साइज का डिफरेंस है। और साइज का डिफरेंस में भी अगर आपको मैं ये बात करूँ तो मैं आपसे कहूँगा जो पी क्यू अपॉन एक्स सॉरी वाई एक्स है, मतलब कि ये अपॉन ये इक्वल्स टू होगा आपकी ये अपॉन ये के इक्वल्स टू होगा आपकी ये अपॉन ये, क्योंकि साइड्स का रेशियो सेम होता है इसमें सिमिलैरिटी में। तो पी क्यू अपॉन वाई एक्स इक्वल्स टू आपका पी आर अपॉन वाई जेड हो जाएगा, इक्वल्स टू आपका क्यू आर अपॉन आपका एक्स जेड हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी देखो यहाँ पे भी आपको एंगल तीनों इक्वल दे रखा है, जैसे आप देखो ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल दे रखा है, और ऐसे बाकी एंगल्स भी इक्वल दे रखा है, मतलब दोनों ये सारे जो ट्रेंगल्स हैं ना सिमिलर है। आप देखो सर ये वाला और ये वाला तो एक जैसा नहीं दिख रहा है, तो एक जैसा है बस, इसको ऐसे घुमा दिया गया है, और साइज में तो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन एंगल तीनों सेम होने चाहिए। तो ये अब आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो क्या आपको तीनों एंगल इक्वल कर प्रूफ करने की जरूरत है, या तीनों साइड्स का रेशियो सेम प्रूफ करने की जरूरत है, तो नहीं। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप कोई भी दो एंगल प्रूफ कर दो, कोई भी दो एंगल, जैसे यहाँ पे इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ किया गया है, और इस एंगल को इस एंगल के बराबर बताया गया है, तो यार अगर दो एंगल सेम है तो ये वाला एंगल भी तो सेम हो जाएगा, कैसे, आखिर ये आपका 180 माइनस ए प्लस बी ही तो है, और ये आपका 180 माइनस ई प्लस एफ ही तो है, और आपको पता है ए प्लस बी इक्वल टू ई प्लस एफ दे रखा है, क्योंकि ए इक्वल्स टू ई है और ऐसे दे रखा है,
तो आपको फिर ये एंगल भी तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो मतलब आप अगर कोई दो एंगल प्रूफ कर देते हो तो तीसरा भी अपने आप इक्वल हो जाता है। तो आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हो इजिली, कोई भी दो दो एंगल प्रूफ कर दो इक्वल है करस्पॉन्डिंग, तो आपका तीसरा भी अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो वो मतलब सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। या आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक एंगल जो है ना, जैसे यहाँ पे जो ए है वो आपके ई के बराबर प्रूफ कर दिया गया है, साथ में जो इस एंगल से टच साइड है, जैसे इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, या ये हो गया और ये हो गया, तो आप जो एक एंगल प्रूफ करना है और उसके जो साइड से लगे हुए उसका रेशियो आपको प्रूफ करना है बराबर। जैसे यहाँ पे एक एंगल प्रूफ किया, एंगल है और साथ में ये आपकी दो साइड्स का आपका रेशियो दिया हुआ है, वो भी आपस में इक्वल होना चाहिए। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। या आप क्या कर सकते हो, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल कर दो तो भी वो सिमिलर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे किया है, ये देखो ये दो साइड्स, ये साइड, ये साइड। जैसे आप अगर ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, ए बी सी देखो, ए बी सी ट्रायंगल देखो, तो यहाँ पे ए बी आया है, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे ए सी आया है, और यहाँ पे दूसरे वाले ट्रायंगल का तीनों साइड्स आ गई हैं, तो उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे भी आप सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। अगर सिमिलर प्रूफ कर सकते हो तो इसका मतलब क्या है, सिमिलर प्रूफ करने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे जैसे ये लिखा है सिमिलर ई बी सी आपका ई एफ जी के सिमिलर, इसका मतलब ये है जो एंगल ए है वो आपका एंगल ई के बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो है वो आपका एफ के बराबर हो जाएगा, सी जो है आपका जी के बराबर हो जाएगा। और यही नहीं, आपको एक बात और समझा दूँ, अगर जैसे दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिया है, तो ये तो मैंने बता दिया ए जो है आपका ई के बराबर हो जाएगा, बी आपका एफ के हो जाएगा और सी आपका जी के हो जाएगा, साथ में ये आपका ए बी है, ये आपका ई एफ है, तो ए बी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ जी, बी सी अपॉन एफ जी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई जी, ए सी अपॉन ई जी। और इसी से हम फिर बाकी लगभग क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं रेशियो से। अच्छा एक बात और देखो, अब क्या है, ये तो हमने अब देख लिया ऊपर कि तीन अगर एंगल्स हमें सिमिलर दिए हैं, दो एंगल सिमिलर दिए हैं, तो ये हम रेशियो ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसे रेशियो लिख सकते हो ना, इन तीनों का ऊपर नीचे सम कर दो तो ये पेरीमीटर भी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो पेरीमीटर, जैसे ए बी सी और डी ई एफ मान लेता हूँ मैं, दो ट्रायंगल है डी ई एफ, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो उनके साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कोई भी साइड ले, आप ए बी ले रहे हो तो यहाँ पे फिर आपको डी ई लेना पड़ेगा, अगर आप बी सी ले रहे हो तो आपको ई एफ लेना पड़ेगा, बी सी अपॉन ई एफ, तो वही चीज़ इसमें करके लिखा हुआ है बस। अब देखो एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमें जो दो ट्रायंगल है वो हमें सिमिलर दे रखा है, ए बी सी और डी ई एफ, और हमें पेरीमीटर भी दे रखा है और हमें एक की साइड भी दे रखी है। तो हमें पता है अगर सिमिलर है तो उनका जो पेरीमीटर का रेशियो होता है, मतलब ए बी सी का जो पेरीमीटर हो गया और जो डी ई एफ जो पेरीमीटर हो गया, इनका जो रेशियो होता है इनके साइड्स के इक्वल होता है। तो हम देखते हैं पहले हमें से कौन सी साइड पूछा है, तो हमसे ए बी पूछा है, तो ए बी को लिख देते हैं ए बी, और अगर आपने ऊपर ए बी लिखा है तो आपको नीचे डी ई ही लिखना पड़ेगा, शुरू के दो लिखो तो शुरू के दो ही लेने पड़ेंगे आपको डी ई। तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 40, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 12, आपको इसकी वैल्यू बतानी है और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6। तो आप देखो ये 6 × 2 हो रहा है, तो आपका ये इंटू टू होगा, मतलब यहाँ पे 20 होना चाहिए, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब आ जाओ, ये तो हमने पेरीमीटर की बात कर ली, पेरीमीटर की बात कर ली। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका जो पेरीमीटर होगा साइड्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, जो पेरीमीटर का रेशियो होगा उनके साइड्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया की बात करो तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा उनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे ए बी सी है, ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दे रखा है, यहाँ पे देखो सिमिलर दे रखा है, तो जो ए बी सी है एरिया और जो पी क्यू आर का रेशियो है एरिया का, तो हमारा ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा सिमिलर सिमिलरली। अच्छा अगर आप कोई चीज़ मतलब चाहे ये क्वेश्चन हो या कुछ भी हो, अगर आप ये भूल रहे हो ना कि स्क्वायर के इक्वल होगा या क्यूब के इक्वल होगा या डायरेक्टली होगा, अगर आपको ये सब चीज़ें कन्फ्यूज़न आती है ना, तो आप उसके यूनिट देखा करो, वैसे डायमेंशन बोलते हैं उसे, लेकिन आप अगर डायमेंशन नहीं समझ पा रहे हो तो यूनिट समझो। तो एरिया की यूनिट कितनी होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और इसकी यूनिट कितनी होती है, आप बोलोगे सर इसकी यूनिट साइड की यूनिट सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर ना, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तभी ये सेंटीमीटर स्क्वायर के हम बराबर लिख सकते हैं।
इसलिए इनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप भूल रहे हो इन केस, किसी भी केस में, किसी भी केस में, तो आप ऐसे यूनिट से भी आप उसको समझ सकते हो कि स्क्वायर के बराबर था या क्यूब के बराबर, ये आप सोच सकते हो बेसिकली। समझ के इतनी बात ना। देखो तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि हमें ABC और PQ सिमिलर दे रखा है। दे रखा है इसका मतलब क्या है कि इनका जो एरिया का रेशियो होगा इनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमें ABC का एरिया दे रखा है 16 बटे PQR का 25, तो ये इनके क्या होगा, साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें QR पूछा है, मतलब ABC में हमें देखो ये QR पूछा, तो हम यहाँ पे BC लिखेंगे, मतलब BC अपॉन QR के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमें BC दे रखा है क्या, BC दे रखा है 20, और हमसे क्या पूछा है QR। तो अगर स्क्वायर को इधर से रूट कर दो दोनों तरफ तो आपके ये 4/5 है, मतलब 4/5 इक्वल्स टू 20/QR, ये तो पूछा है। तो ये इंटू 5 हुआ है, तो आप इसको भी इंटू 5 कर दो, तो ये आपका 25 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इतनी बात जितनी भी मैंने बताई आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है। अच्छा ये क्षेत्रफल लिखा है ना, ऐसा है ना मैं लैपटॉप में टाइप करता हूँ ना, तो उस वहाँ पर सही आ जाए, थोड़ी फॉन्ट में दिक्कत आ जाती है, जब मैं टैबलेट में लाता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ जाती है फॉन्ट में। तो बाकी मैंने बता दिया, आप इतना मैनेज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद करोगे, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया है कि हमें दो ट्रेंगल दे रखा है, इनकी साइड्स भी दे रखी है, आपस में इक्वल है, तो बाकी आप कुछ टर्म्स लिखें, आप इसको इजीली कर लेते होगे, इसको आप खुद करना, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ट्रेंगल दे रखा है पी क्यू आर ना, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर दे रखा है, पी क्यू आर और पी क्यू इक्वल टू क्यू आर दे रखा है। अगर ये दो साइड इक्वल दे रखी तो हमें पता है ये दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, आइसोस्केलस ट्रायंगल हमने ऊपर पढ़ा। अब हमें दे रखा है ओ, एक इंटीरियर पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी मान लो, मैंने यहाँ पे मान लिया ओ, और क्या दे रखा है एंगल ओ पी आर, इसको ज्वाइन कर दो इसको और इसको, और हमें दे रखा है एंगल जो ओ पी आर है, मतलब ओ पी आर जो ये वाला एंगल है ये हमारे ओ आर पी मतलब इसके इक्वल है। देखो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब हमें पता है ये दो साइड भी इक्वल हो जाएंगे, फिर आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब हमें बताना कौन सा है चीज इसमें करेक्ट है, कौन सा गलत है। तो पी ओ आर जो है, ये पी ओ आर जो है, पी ओ आर ये वाला जो ट्रायंगल है, तो ये आइसोस्केलस है, तो आप बोलोगे बिल्कुल यहाँ पे दो एंगल भी इक्वल है, दो साइड्स भी इक्वल है, तो आइसोस्केलस है, तो पहला वाला तो सही हो गया। ओ इज द सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड हम आगे पढ़ेंगे, सेंट्रॉयड बेसिकली क्या होता है, जो मीडियंस होते हैं, मीडियम मतलब जो साइड्स का मिड पॉइंट होता है उसको अपोजिट वाले एंगल से जोड़ देते हैं ना, अपोजिट वाले वर्टेक्स से, तो मीडियम होता है, और तीनों मीडियम जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है कि मिड पॉइंट से ये आ रहा है, ऐसा कुछ दिया नहीं है ना, ये ऐसा कुछ दिया नहीं है हमें, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी कह रहा है पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रेंट टू आर क्यू ओ, तो पी क्यू ओ क्या है, देखो पी क्यू ओ, पी क्यू ओ मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये और ये वाला ट्रायंगल हमसे पूछ रहे हैं इसके कॉन्ग्रेंट है क्या ये वाला ट्रायंगल क्या। तो आप कहोगे सर देखिए ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जो साइड है, ये साइड तो इसके इक्वल दी है, और ये वाली साइड भी इसके इक्वल दी है हमें, और ये वाली साइड तो कॉमन है, तो ये तो इक्वल होगी, तो मतलब SSS से ये पूरे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, मतलब एकदम सिमिलर, मतलब एकदम सिमिलर नहीं, एकदम आइडेंटिकल, एक जैसे डिट्टो एकदम, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मतलब आपका ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट सही है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और तीसरा वाला, ये वाला। अब देखो ये हमें दे रखा है कॉन्ग्रुएंट है ये जो ट्रेंगल, ये देखो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ये आपका कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ये आपका सिमिलर का साइन होता है, और ये आपका इक्वल का साइन होता है, तो ये चीज़ें बेसिक है। हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखा है तो मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, मतलब जो एक्स वाई है आपका एल एम के इक्वल होगा, मतलब आपका जो एक्स वाई है, एक्स वाई मतलब क्या है, ये आपका किसके इक्वल होगा एल एम के, मतलब इसके, मतलब आपका 2m+1 की वैल्यू जो होगी वो 5 हो जाएगी, मतलब m की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही आपका वाई जेड जो है वो आपका एम आर के इक्वल होगा, तो वाई जेड आपका क्या है, ये 2p+2 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एम आर के, एम आर आपका 8 है, यहाँ से आपका पी कितना 3 आ जाएगा। फिर बच गया 2x-1 आपका 7 के इक्वल हो जाएगा, मतलब आपकी एक्स की वैल्यू आपकी 4 आ गई, एक्स है ना, एम एक्स पी, और
और इन दोनों का सम पूछा है तो आप देखो 4 3 7 2 9, तो इसका जो है 9 आ जाएगा। इजी था। अब देखो ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ हमसे क्या कह रहा है कि एसी टेंजेंट है। देखो ये टेंजेंट तो हमें पता है ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, हमने पिछली क्लास में देखा है चीज़, तो ये 90 डिग्री प्रूफ हो गया। बाकी कह रहा है कि ठीक है, ये देखो ये देखो ये हमारा है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब ये है, और देखो ये छोड़ो ये एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट, और जब दो एंगल इक्वल हो गए मतलब दोनों सिमिलर हो गया, क्योंकि तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा ये, फिर मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए एकदम। तो देखो इनका जो रेशियो रहेगा, इनका इनका रेशियो जो होगा 6/9, वो आपका इनके रेशियो के बराबर मतलब 4/x, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए? ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, आपका 6 वैल्यू आ जाएगी। आपको समझ में आ गया? अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक बार और समझाता हूँ। देखो देखो क्या है, ये 90 है क्योंकि टेंजेंट दे रखा है, ये एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब आप इसको लिख लो कैसे भी, ये जो आपका है ना, आप ये वाला ट्रायंगल लिख लो, ये जो ट्रायंगल है आपका इसको लिख लो, आप लिख लिए ई ए ओ लिख लिए, ये ओ क्या दिया समझ में नहीं आ रहा, ये बी और डी दे रखा है। देखो ई ए डी आपने लिख लिया, ये ट्रायंगल हो गया। अब ये सिमिलर लिखना है, किसके सिमिलर लिखोगे? अगर आपने यहाँ पे ई लिखा है ना, तो ई जो एंगल है इसके इसके इक्वल है, तो यहाँ पे ई लिखोगे। आपका ए देखो कहाँ पे, आपका ए 90 है, तो यहाँ पे 90 कौन सा है, सी, तो यहाँ पे सी लिखोगे। आपका डी क्या है, डी ये है, तो फिर यहाँ पे जो बच गया वो बी लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे। अब आपको क्या पता है, आपको ए ई पता है, ए ई तो आपको पता है, ए ई यहाँ पे दिया तो ई सी यहाँ पे दिया, तो ए ई अपॉन ई सी। अब आपको क्या पता है, आप बोलोगे सर मुझे डी ए पता है, तो डी ए देखो यहाँ पे आ रहा है डी ए, तो आप इसके इक्वल लिखोगे डी ए अपॉन बी सी। तो आपसे एक्स पूछा है, एक्स मतलब बी सी मतलब ये एक्स दिया हुआ है, बाकी आप ऐसे वैल्यू डाल दो हर जगह, तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। अब देखो ए बी सी एक ट्रेंगल दे रखा है, डी मिड डी पॉइंट है बी सी पे, ए ए बी सी आपका एक ट्रेंगल दिया है, ए बी और सी, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी, डी एक पॉइंट है बी सी पे, और बी सी 16 दिया है और बी डी 11 है, मतलब ये 11 दिया है, ये 16 मतलब ये 5 हो जाएगा आपका। अब आपको दे रखा है ए डी सी, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमसे, ए डी सी जो ये वाला एंगल है वो हमें बी ए सी के ऊपर मतलब इसके इक्वल दे रखा है, आपसे ए सी बताना है, तो आप कैसे बताओगे? तो देखो आप क्या करोगे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें, तो मतलब आपको सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत है, आप सिमिलर प्रूफ करो उसके बाद आप करो। तो सिमिलर कैसे प्रूफ करोगे, आपको देखो ये वाला एंगल पता है ना, तो देखो आप इस ट्रेंगल को जो ये वाला ट्रेंगल है इसको पहले लिख लो ऐसे ही जैसे कहा है, इस वाले ट्रेंगल को आप ऐसे लिख लो जैसे कह रहा है आपसे। तो देखो मैं इस ट्रेंगल को लिख लेता हूँ ए डी सी, मैंने लिख लिया ए डी सी, अब इसको सिमिलर प्रूफ करना है, तो यहाँ पे किस सिक्वेंस में लिखना है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो अब हमने दो ट्रेंगल लिया, पहले आपको ये समझो हमने दो ट्रेंगल लिया, एक हमने ये वाला ट्रेंगल लिया है, ये वाला ट्रेंगल, और दूसरा हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, ये बड़ा वाला, समझ गए? देखो तो इसमें जो ये वाला एंगल है सी वाला, ये कॉमन है, कॉमन है, तो आप ये सी की जगह यहाँ पे सी लिखोगे सबसे कोने में। अब ये जो डी है, डी है आप देखो इस ट्रायंगल का डी जो है बड़े वाले ट्रायंगल के ए के बराबर है, तो यहाँ पे आप ए लिखोगे, डी की जगह आप ए लिखोगे। अब आपका ए बचा, यहाँ पे भी कुछ बचा है, एक सेकेंड मैंने कुछ गलती की क्या, नहीं मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, एक सेकेंड मैंने कुछ गलत, ए डी सी लिया है मैंने, हाँ ठीक है ठीक है। तो अब बचा क्या, ये ए डी सी हो गया आपका, ये बी बच गया बड़े वाले ट्रायंगल में, तो आपको समझ में आ गया जो ए डी सी है वो बी ए सी के इक्वल होगा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप रेशियो जैसे आपको दिया है क्वेश्चन में, तो आपको आपको क्या क्या पता है, आप ये देखो क्या क्या आपको पता है, तो आपको देखो ए डी सी में आपको क्या पता है, डी सी पता है, तो आप डी सी लिख लो, और डी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के, डी सी अपॉन ए सी। अब आपको क्या पता है, आप बोलोगे सर मुझे ये बी सी पता है पूरा बी सी, तो आप बी सी देखो कहाँ पे आ रहा है, वो बी सी ये आ रहा है बी सी ना, तो आप इसका क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए सी लिखोगे इसका, तो ए सी अपॉन बी सी, इतनी बात आपको समझ में आया? अब देखो इसको देखो, तो ए सी का जो स्क्वायर है वो आपका बी सी इंटू डी सी हो जाएगा, तो बी सी आपका कितना है, बी सी आप बोलोगे सर 11 + 5 16 है, और आपका डी सी कितना है 5 है, 16 25 80,
और 80 का जब आप रूट लोगे तो 16 कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका 4√5 आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना आपको? मैंने क्या किया, मैंने इसमें क्या किया है, देखो मैंने क्या किया है, एक ट्रेंगल है, ये मैंने ट्रेंगल लिया, ये आपका ए डी सी है और ये आपका बी है। आपको ये जो एंगल है ना, आपकी इस एंगल के इक्वल दिया है, और ये वाला एंगल जो है ना ये कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है, तो मैंने ए डी सी लिख दिया। इसको किसके प्रूफ करूंगा, आपका ए जो है, ए डी सी में आपका जो डी है वो ए इक्वल है, तो आपका बीच में ए आ जाएगा, सी कॉमन है, जो बच गया ए आ गया बी, ये मैंने लिख दिया। इसको सिक्वेंस में लिखना है आपको, बस आपको ये ध्यान देना है सिक्वेंस में लिखना है। अब आपने सिक्वेंस में लिख लिया, अब आपको क्या करना है, आपको जैसे जैसे जो वैल्यूज पता है, जैसे आपको अब यहाँ पे क्या पता है, आपको डीसी पता है, ये 5 है 11, आपको डीसी पता है तो आप डीसी यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे एसी है अपॉन एसी कर दो। अब आपको क्या पता है, आपको यहाँ से बीसी पता है पूरा बीसी, तो आपको एसी लेना पड़ेगा, तो एसी अपॉन बीसी, यहाँ से आप इजिली वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये कुछ क्वेश्चन है इजी इजी, ये आप खुद करोगे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जिसमें कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं, जैसे ये स्टेटमेंट वाला है। बेसिकली जो हमने कंडीशंस पढ़ी है ना, उन्हीं उन्हीं पे बिल्कुल थ्योरी समझ लो, थ्योरी है ये। अब देखो हमसे क्या करता है, कभी कभी पूछता है हमसे, ये दो ऐसे दे देगा, इसको क्या कहेगा, ये पैरेलल काट रहा है, ऐसे कह देगा ये पैरेलल काट रहा है। तो अगर पैरेलल काट रहा है तो हम देखते हैं क्या होता है। आपको पता है ये पैरेलल अगर काट रहा है तो ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। आपको अगर मैं बता दूं, ये दो अगर पैरेलल लाइंस हैं, इनको अगर ऐसे कोई लाइन काटता है तो जो ये वाला एंगल है ना ये इसके इक्वल हो जाता है, इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। और ये वाला जो एंगल है, अगर मैं ग्रीन से देखा हूँ, ये वाला जो एंगल है ये आपके इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, ये हम क्या बोलते हैं इसको, हम इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। साथ में अगर कोई ऐसे ये वाला एंगल है, ये वाला तो ये इसके इक्वल हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ये भी आपस में इक्वल होते हैं अगर पैरेलल लाइन है तभी। तो ये कुछ एंगल्स मैंने आपको बता दिया, ये बिल्कुल बेसिक है, बाकी आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ चीज़। तो अगर ये पैरेलल लाइन जा रहा है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, आपका ये वाला एंगल जो है ये आपके इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये कॉमन है। तो अगर आप ये दो ट्रायंगल देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये देखो, और ये वाला जो ट्रायंगल देखो, तो इसके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जो आपका बी डी एफ है ये आपका बी ए सी के सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, और ये सिमिलर प्रूफ हो गया तो फिर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको पूछ ले बी डी अपॉन बी ए क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये आपका बी ई अपॉन बी सी हो जाएगा, क्योंकि सिमिलैरिटी में साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया है, बस मैंने ये हाईलाइटर ले लो, ये अपॉन ये किया है इक्वल्स टू ये अपॉन ये किया है, तो बस ये है, ऊपर के रिजल्ट्स ही लिखे हैं मैंने, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी। अब आ जाओ, हमसे क्या दिया है, एक ट्रेंगल दिया है ना, और इसका कोई भी एक एंगल ना उसका बाइसेक्टर दिया है, यहाँ पे बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर दे दिया। तो अगर ये दिया है ना, तो जो ये अपॉन ये होता है वो ये अपॉन ये होता है, मतलब ए अपॉन बी जो होता है वो हमारा सी अपॉन डी होता है। कोई भी एक हमें ट्रेंगल दिया है, उसका कोई भी एक एंगल का बाइसेक्टर खींच दिया है ना, ये देखो ये ट्रेंगल है ये बाइसेक्टर खींच दिया, तो ये अपॉन ये छोड़ ये अपॉन ये हो जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, उसको सेम देखते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, कब का, 2022 में। आपको दिया एक कोई ट्रेंगल है ए बी सी, इसको इसी को हम मान लेते हैं ना ए बी सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, मतलब इस वाले एंगल का जो है ना इसका बाइसेक्टर, बी सी को डी पे कट करता है, मतलब इसको यहाँ पे डी पे कट कर रहा है। अब बी डी हमें दे रखा है, बी डी मतलब ये 6 हो गया, और बी सी मतलब पूरा हमें 14 दे रखा है, मतलब इसकी वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें 14 दे रखा है, इसकी वैल्यू में निकालें तो ये 8 आ जाएगी। अब हमसे ए बी रेशियो ए सी पूछा है, मतलब इसका रेशियो पूछा है, तो आप बोलोगे सर ए बी अपॉन ए सी जो होता है वो तो आपका बी डी अपॉन डी सी होता है, तो हमें बी डी अपॉन डी सी कितना दिया है, ये हमारा 6 दिया है, ये हमारा 8 दिया है, मतलब 3:4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन सेम है, वैल्यू चेंज है, आप इसको खुद निकालोगे। अब देखो अब हम कुछ पढ़ लेते हैं कि एरिया, कोई हमें ट्रेंगल दिया है तो उसकी एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या होता है, ये बेस है और हाइट इसका ये है, आप कोई भी बेस मान सकते हो, आप चाहो तो इसको बेस मान लो, ये बेस मान लो,
तो इसका हाइट कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हाइट मतलब एल्टीट्यूड, मतलब उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप इसको बेस मानते हो इसको, तो आपका ये कुछ आपका अल्टीट्यूड हो जाएगा। तो आपको जैसे आपको वैल्यू पता होगी, आप वैसे उसको बेस मान के उसको हाइट मान के कर लोगे। अगर हमें तीनों साइड्स दी हैं, सिर्फ तीनों साइड्स, तब आप क्या करते हो, तब आप क्या करते हो, तीनों साइड्स दी हैं तो स्केलन, जैसे अगर हमें स्केलन ट्रायंगल दिया है तो हमें पता है तीनों साइड्स हमें दी होंगे, या आइसोस्केलेस भी दिया है तो भी हम तीनों साइड से निकालते हैं। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, जो क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तो पेरीमीटर हो गया, और इसको दो से डिवाइड कर दो, ये सेमी पेरीमीटर हो जाता है। तो ये हमारी एस की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, रूट में एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे एस हमारा सेमी पेरीमीटर है और ए बी सी जो है हमारी साइड्स हैं। हम इसको भी एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। या कभी कभी क्या करता है ना, हमें ट्रेंगल दिया रहता है, दो साइड्स दी रहती हैं उसकी, और उसके बीच का एंगल पता रहता है, तब हम एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ ए बी साइन थीटा। तो ए बी हमें साइड्स दी रहती है, और जो थीटा है ना, इन दोनों बीच का एंगल है। जैसे यहाँ पे देखो तो हमें ए बी साइड्स दे रखी है, इसके बीच का एंगल सी दे रखा है, तो इसका हाफ ए बी साइन सी हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। जैसे हमें ये ट्रेंगल दिया है, हमें इसका एरिया बताना है, तो हमें दो साइड्स दे रखे हैं, इसके बीच का एंगल दे रखा है, तो हमें पता है हाफ ए बी मतलब 5 × 4, और साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो आपका ये पूरा 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, हमें तीनों साइड भी दे रखी है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमें बेस हाइट पता है तो वो ज़्यादा ईजी कैलकुलेशन है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 24 आ गया। तो ऊपर वाला फिगर थोड़ा गलत दे रखा था ना, जैसे ऊपर वाला फिगर थोड़ा गलत दे रखा है, क्योंकि हीरोन फार्मूला से इसका जो आंसर आ रहा है ना वो मैच नहीं कर रहा है, तो फिगर में कुछ एरर है, इसलिए मैंने फिर दूसरा फिगर बना लिया यहाँ पे। तो हमें साइड दे रखे 8, 6, 10, और हमें इसका एरिया निकालना है हीरोन फार्मूला से। तो आप पहले क्या निकालोगे, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 8 से 14, 10, 24, और इसका आधा 12, तो आपका 12 हो गया, सेमी पेरीमीटर 12 हो गया। अब क्या करोगे, आप रूट एस एस माइनस ए, कोई भी साइड मान लो, ए ए मान लिया मैंने इसको 8 को, तो 4, और एस माइनस बी आपका 6 हो जाएगा, और एस माइनस सी आपको 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो, आप यहाँ से 6 और यहाँ पे 6 इंटू, इसको 6 6 × 2 लिख दो अगर, तो आपका 6 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और आपका देखो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, और फिर एक बार 2 बाहर आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, ये चलो हमारा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इजिली निकाल सकते हो। इस वाले फिगर में थोड़ा एरर था, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था, और इसलिए मैं चाहता था ना कि आपको वेरीफाई करा दूं कि ये दोनों एरिया सेम आ रहा है, लेकिन कुछ फिगर में गलती थी। अगर यहाँ पे मैं आपको वेरीफाई कराऊं तो आपको नहीं दिख रहा होगा, कुछ लोग को दिख भी रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इसको मान लो 8 और हाइट इसको मान लो 6, तो आप देखो यहाँ पर भी 24 आ रहा है, जो कि इसके इक्वल आ रहा है, तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। तो हीरोन फार्मूला का यूज तब करना है ना, जब आपको तीनों साइड्स अलग अलग दी हो, और साथ में वो ट्रिपलेट ना हो। ट्रिपलेट मतलब होता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के स्क्वायर्स की साइड ना हो, तब आप उस केस में हीरोन फार्मूला ही लगाओगे, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और भी ऑप्शन है, जैसे मैंने ये भी तो ऑप्शन है, हाफ ए बी साइन थीटा, आपको क्या पता है क्या रिक्वायरमेंट दी हुई है, उसे आप सब निकालोगे। देखो इस केस में हमें ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल दे रखा, तो इसका क्या होगा, बेस आपको दे रखा ये है, और ये हाइट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो आप यहाँ देखो ना, आखिर इसकी हाइट जो है ना, यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वही चीज यहाँ पे दे रखा है बाहर। तो आपसे पूछा है कि इसकी हाइट कितनी होगी, और आपको एरिया दे रखा है, मतलब हाफ इंटू बेस आपका 8 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 60 दे रखा है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 15, तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब आ जाओ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, ये क्या होता है। तो हमने ऊपर पढ़ा जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों साइड्स इक्वल का मतलब होता है कि तीनों एंगल जो है ना 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें हम कुछ रिजल्ट डायरेक्ट याद कर रखेंगे, वैसे आप देख भी सकते हो ये सब चीजें, आप भी ऐसे से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो ना, या आप हाफ ए बी साइन थीटा कर दो, तो सबसे आपका यही आ जाएगा एरिया। तो आपको इसका एरिया डायरेक्ट याद रखना है, √3/4 a² ए मतलब साइड, तो ए स्क्वायर। आपसे एल्टीट्यूड पूछे, तो देखो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही एल्टीट्यूड है, तो आपको पता है ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों, देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोस्केलेस है, अगर बीच से हम परपेंडिकुलर डालते हैं ना, तो बिल्कुल सिमेट्री कर देता है दोनों हिस्सों को, बिल्कुल सिमेट्री मतलब एक जैसे दोनों हिस्से हो जाते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंट। तो
तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, और आपको पता है ये जो वैल्यू ए है ना, तो ये ए कॉस 30 हो जाएगा। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे ये चीज़, तो ए कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो ए √3/2 मतलब √3/2 ए, तो ये इसकी हाइट होगी। मतलब मोटा मोटा आपको ये याद रखना है, इक्विलेटरल एंगल का जो एरिया होता है √3/4 a² होता है, उसका जो एल्टीट्यूड होता है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो √3/2 a होता है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे अभी यहाँ पे पूछा है ए बी सी, एक आपको ट्रेंगल दे रखा है, डी आपको मिड पॉइंट दे रखा है बी सी पे, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल हो या आइसोस्केलस ट्रेंगल हो, आप एल्टीट्यूड डालो तो ये मिड पॉइंट ही होगा, ये आप मिड पॉइंट डालो ये एल्टीट्यूड ही होगा, ये दोनों जो पार्ट है ना वो एकदम सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बेसिकली ये कह रहा है ना, जो मिड पॉइंट है मतलब एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला हुआ है, और आपसे बी सी मतलब साइड आपको पता है, बी सी हो ए बी हो चाहे जो हो, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है, मतलब साइड आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर साइड, और आपसे एल्टीट्यूड पूछा मतलब हाइट पूछा है, तो आपको पता है √3/2 a होता है, मतलब ए की वैल्यू 8, तो ये 4√3 हो जाएगा आपका आंसर एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे हमसे एरिया पूछा है, तो √3/4 a² हमें साइड 24 दे रखा है, तो आप इससे एरिया निकाल लो। अब देखो, अब आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल दे रखा है दो, तो वही चीज मैंने बताई आपको कि आप अगर यहां से एल्टीट्यूड डाल दो ना, देखो आपने एल्टीट्यूड डाल दिया 90 डिग्री, तो आप देखो ये 90 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल हो गया। आप आरएचएस से प्रूफ करो इसे, आपको हाइपोटेनूज दे रखा है, ये हाइपोटेनूज इसके सामने वाला ही तो एंगल होता है, ये आपको इक्वल दे रखा है, और ये जो साइड है ये कॉमन है। आपको फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखो ये मैंने एल्टीट्यूड डाल दिया, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको अगर आप ये दो ट्रायंगल देखो, ये जो दो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और जो ये वाला ट्रायंगल है, ये दो आपस में इक्वल है। कैसे? आप देखो ये वाला आपको साइड इक्वल दे रखा है, जो कि हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री इक्वल दे रखा है, और ये जो साइड है ये कॉमन है, तो आर एच एस से आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इस वाले पोर्शन के एकदम इक्वल है, डिट्टो एकदम। तो बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब देखो दो अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं जो आपको याद करने हैं। हमने ऊपर पढ़ा था ना एक रिजल्ट, कि ये ट्रेंगल दे रखा है एक, और अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई होता है, ये हमने ऊपर देखा। यहाँ पे देखो अभी हमने ऊपर जस्ट देखा ये चीज, यहाँ पे ये चीज देखी, तो वो चीज है। साथ में आपको एक रिजल्ट और याद रखना है कि यहाँ पे ये जो एडी होता है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो है, तो एडी जो होता है वो हमारा ए बी मतलब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है एक्स वाई, तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। साथ में इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 1-2 सालों में, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको देखो यहाँ पे क्या है, आप अगर ध्यान से देखो इस चीज को, देखो यहाँ पे क्या है, एक तो आपका इस पॉइंट से आपका एल्टीट्यूड डाल दिया ये 90 डिग्री, एक तो ये हो गया, ये एल्टीट्यूड है, ये वाला हिस्सा, ये आपका एक एल्टीट्यूड डाला गया है। साथ में जो एंगल आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो एंगल है, इसका बाइसेक्टर डाला गया, ये देखो ये बाइसेक्टर है, ये आपका बाइसेक्टर हो गया, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, ये जो है ना ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसको आप साफ साफ देख लो, तो इसकी जो वैल्यू होती है थीटा की ना, ये जो दो एंगल है इनके डिफरेंस के हाफ के इक्वल होती है, थीटा जो है आपका हाफ और बी और सी के डिफरेंस के इक्वल, ये आप साइन नहीं लोगे मॉड कर दोगे क्योंकि आपको डिफरेंस से मतलब है, इसके इक्वल होती है। अब देखो एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी हो गया क्यू हो गया और ये हो गया आपका आर, आपसे कह रहा है क्यू जो है 84 है, ये आपका 84 है, ये आपका 48 दिया हुआ है, पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, पी एस जो है ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर है आपका क्यू आर पे, एंड एस एंड बाइसेक्टर ऑफ पी मीट्स क्यू आर एट टी, मतलब इसका जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका किस पे मिल रहा है टी पे, आपसे कह रहा है आप एस पी टी बताओ, ध्यान से देखो तो आपको एस पी टी ये वाला एंगल बताना है, तो आपने पढ़ा भी ऊपर जो थीटा है आपका हाफ हो जाएगा इन दोनों के डिफरेंस के, तो आपका ये 48 दिया हुआ है, ये 8 है, 48 दिया हुआ है, तो आपका कितना हो जाएगा, आप इसको देखोगे 2, 50, 30, 36 और 36 का आधा 18 हो जाएगा, तो आपका 18 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया 2019 में मेंस में, सेम है बस वैल्यूज चेंज है, तो आप इसको खुद से करना। अब आपके दो रिजल्ट्स और हैं बस, उसके बाद आपकी ये आज का लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। देखो
यहां पे क्या कहा है, देखो एक ट्रेंगल दिया हुआ है आपको एबीसी, ए एक सेकेंड, आपको ईबीसी एक ट्रेंगल दिया हुआ है और क्या कहना है, इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको भी एक्सटेंड कर दिया। अब आपसे जो कह रहा है ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इसका बाइसेक्टर जो है ना, इसका बाइसेक्टर जो है वो आपका इस वाले लाइन पे आके डी पे मिल रहा है, आपको ये दे रखा है। तब इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो ये, एक सेकेंड हाईलाइटर ले लूं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसको मिटा दूं मैं, अगर आपको ये दिख रहा है ना, आपको मैंने बता दिया जो चीज कंडीशन थी, तो इस केस में ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये हो जाता है, समझ में आ गया। ये अपॉन ये मतलब ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू आपका बी डी अपॉन बी सी हो जाता है, तो आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है, समझ गए। इस रिजल्ट पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉक वगैरह में मिलते रहते हैं आपको, और वैसे भी, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। अब देखो एक रिजल्ट और याद रखो आप, हमें एक ट्रेंगल दिया हुआ है, कोई भी एक ट्रेंगल दिया हुआ है, जैसे ये ट्रेंगल दिया हुआ है, ये ट्रेंगल दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, हमें जो ये वाला एंगल दिख रहा है ना, ये वाला एंगल, इसका हमने बाइसेक्टर किया, यहां पे गया, और जो हमें ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला ये एक्सटर्नल, इसका हमने बाइसेक्टर किया और ये जाके यहां पे मिल गया। तो इस केस में अगर आपकी इसकी वैल्यू, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, अगर इसकी वैल्यू थीटा है, तो इस वाले एंगल की वैल्यू थीटा बाई टू हो जाएगी, जस्ट हाफ हो जाएगी। तो ये भी आपको रिजल्ट याद रखना है, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको जैसे इन सब पे क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए ना, तो मुझे जैसे जो क्वेश्चन दिखेंगे मैं पूरा एनालाइज करूंगा, एनालिसिस करूंगा, तो आपको मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, जितने भी मैंने आपको थ्योरम्स बताई हैं, आपको सारे थ्योरम्स को याद रखना है, एक अलग से नोट्स बनाओ, उसको डेली रिवाइज करो, और आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे, तो आप जितना ज़्यादा इसको नज़र से घुमाओगे ना, उसके बारे में आपको जरूरी नहीं है कि आपको याद हो जाए, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पक्का याद हो जाएगा। तो वही है मेरी आपसे, यही आपको सजेशन है कि आप इसको खूब प्रैक्टिस करो। बाकी हम कल के लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट बच गए हैं, जैसे राइट एंगल के कुछ रिजल्ट्स बच गए हैं, साथ में आपके जो इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब होता है, सेंट्रॉयड होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वाड्रिलेटरल से भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर आपका आगे के दो लेक्चर में आपका पूरा लेक्चर, पूरा जो क्लास है ना आपका, ये पूरा खत्म हो जाएगा।